guys, welcome back to my channel Glam your face and I'm Deepika. कैसे हैं आप सब लोग? So guys, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोडक्ट्स विच आई रिग्रेट बाइंग, कि मैंने सच में इन प्रोडक्ट्स को क्यों परचेज किया और अपने पैसे इन प्रोडक्ट्स पे क्यों वेस्ट किए. सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है. अगर आप भी इनमें से कोई प्रोडक्ट्स लेने का सोच रहे हो तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद शायद आप भी उन प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेंगे. सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये वेट एंड वाइल्ड का ब्लश, एंड आई थिंक मैंने इसके लिए पे किए हैं 299 रुपीज, एंड इसे ऑलमोस्ट मुझे हो चुका है 1 ईयर से भी ज़्यादा, और मैंने इसे अभी तक सिर्फ एक ट्यूटोरियल में यूज़ किया था. और जब मैंने देखा कि इसका कोई पिगमेंटेशन ही नहीं है और ये ओम्ब्रे ब्लश है, ऊपर से शायद कैमरे पे नहीं दिखेगा लेकिन ओम्ब्रे है ये, लाइक यहाँ से थोड़ा सा लाइट है और यहाँ पे कलर आते आते थोड़ा डार्क हो जाता है. सो बहुत ही बुलशिट है ये, और वेट एंड वाइल्ड से तो ये उम्मीद बिल्कुल ही नहीं की जा सकती बिकॉज उसके सारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं. और ये देखिए, ये पाउडर पाउडर सा है बिल्कुल, एंड लिटरली आप इस पर चाहें तो ना पाउडर का काम कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज अ ब्लश तो आप इसे बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते. तो सबसे पहला प्रोडक्ट है मेरा ये कि मैंने इसे क्यों परचेज किया. एंड अगर आप सोच रहे हैं कि आप वेट एंड वाइल्ड का ब्लश परचेज करें तो ये बिल्कुल मत परचेज करना. एंड ये वीडियोज़ हम इसी वजह से बनाते हैं ताकि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, एंड आप उन एक्सपीरियंस से कुछ प्रॉफिट ले सकें, एंड सेम मिस्टेक आप लोग भी ना करें जो हमने ऑलरेडी कर दी है. सो सबसे पहला प्रोडक्ट मेरा ये है. ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये NYB का फाउंडेशन, और ये मैंने आई थिंक अभी 2 महीने पहले ही परचेज किया होगा, और जो मैंने एक दो बार यूज़ किया और रिव्यू किया बस, उसके बाद ये एज इट इज़ पड़ा है, मैंने इसे खोला भी नहीं है. क्योंकि मैंने इसे एक दो बार यूज़ किया एंड उसी में मुझे पता चल गया कि ये बिल्कुल बेकार फाउंडेशन है, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं इसे और किसी तरीके से यूज़ करूँ. सो अब पड़ा है मेरे पास, देखती हूँ या तो मैं इसे किसी DIY में या फिर इसकी BB क्रीम बना लूँगी ताकि एटलीस्ट मैं इसे यूज़ कर सकूँ. और इसके लिए मुझे याद नहीं है मैंने कितना पे किया था, इसकी कॉस्ट थी समथिंग अराउंड 149 रुपीज़, यानी 149 यानी एटलीस्ट 100 रुपये तो मैंने इस पर भी खर्च किए ही हैं. सो ये भी बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये स्टेक वर्की का आई लाइनर, एंड ये मेरे पास रेड कलर में है. एज सच ये मैं वर्स्ट प्रोडक्ट नहीं कह सकती लेकिन इतना बेस्ट भी नहीं है. ये आई लाइनर मैंने 2 से 3 बार अपने आईज पे लगाया है लेकिन ये 2 घंटे के अंदर ही यू नो हल्के हल्के से स्मज होना शुरू कर देता है, और अगर आपने आई मेकअप किया है तो पूरा आपका आई मेकअप बिगाड़ देगा, और अगर आपने आई मेकअप नहीं किया है तो लिटरली आपकी आँखें लाल लाल लगने लगती है ऊपर की तरफ से जहाँ आई लाइनर आप लगाते हो. तो सो बहुत ही वेस्ट प्रोडक्ट है, और अगर आप सोच रहे हो कि आप रेड कलर परचेज करो तो कभी मत करना. आई डोंट नो ब्लैक कलर कैसा है बिकॉज मैंने ब्लैक यूज नहीं करके देखा है अभी तक. सो रेड कलर तो बिल्कुल परचेज करना ही नहीं है बिकॉज बहुत ही वेस्ट है ये आईलाइनर. नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन. सो पहले मैंने जब इसे यूज़ किया था मुझे ये फाउंडेशन अच्छा लगा था, एंड मैंने रिव्यू में भी कहा कि ये फाउंडेशन अच्छा है क्योंकि तब मुझे ये एक्चुअल में फाउंडेशन अच्छा लगा था. लेकिन उसके बाद जब मैंने 2-3 बार अपने YouTube वीडियोस के लिए रेडी होने के लिए इस फाउंडेशन को यूज़ किया तो लिटरली मेरा एक तो पिगमेंटेशन बिल्कुल हाइड नहीं हुए, ऊपर से ना 1 घंटे के अंदर ही अंदर यहाँ पे क्रैक्स आने लग गए यहाँ पे नोज़ के अराउंड आइज़ के नीचे. तो फिर मुझे लगा कि यार ये सिर्फ मतलब दिखाने के लिए ठीक था. मैंने उस टाइम अप्लाई किया तो यू नो ऑन द स्पॉट आप अप्लाई करोगे तो फॉर 10 to 15 मिनट्स आपको बहुत अच्छा लगेगा ये फाउंडेशन, लेकिन उसके बाद ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और क्रैक्स आने लगते हैं, फेस आपका एकदम पैची सा लगता है. ऐसे लगता है जैसे फाउंडेशन आपने कहीं पे यानी लगाया था और आपने ब्लेंड किया लेकिन वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ. सो ये फाउंडेशन भी वर्स्ट है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप कभी इसे मत लेना. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मेकअप स्टिक प्रोफेशनल, और ये ब्लू हेवन की मेकअप स्टिक है इन द शेड 03 नेचुरल, यानी पेन स्टिक है. और मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक पूरी की पूरी पड़ी है मेरी. सो मैंने इस पेन स्टिक को बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, मुश्किल से मैंने 1-2 ट्यूटोरियल में इसे यूज़ किया होगा जब मैंने 1 ब्रांड ट्यूटोरियल ब्लू हेवन का शूट किया होगा, उसके अलावा मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया बिकॉज इतना बेकार इसका पिगमेंटेशन है, थोड़ा फेस पे वाइट कास्ट कर देती है. देखो ब्लेंड हो जाएगी पर है ना, आप पास से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ना इसमें क्रैक्स आने जल्दी शुरू हो जाते हैं और ये बहुत ही ड्राई लगने लगती है आपके फेस पे,
और ऑब्वियसली ये मेरे फेस से तो मैच बिल्कुल ही नहीं करेगी. और 03 नेचुरल शेड, मुझे ज़्यादातर नेचुरल शेड्स होते हैं वो सूट हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट भी मेरे कोई काम नहीं आया, सो वेस्ट था. सो यही कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने इन्हें क्यों परचेज़ किया. और भी ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो मैं यूज़ करूँगी एंड मुझे पता चलेगा कि मैंने इन्हें परचेज़ क्यों किया, तो मैं इसका पार्ट 2 जल्दी बनाने वाली हूँ. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेक श्योर कर आपने मेरे चैनल को किया है सब्सक्राइब. इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना सारे फ्रेंड्स के साथ. एंड अगर आपके पास भी इनमें से कोई प्रोडक्ट्स है जो आप भी रिग्रेट करते हैं कि आपने क्यों परचेज किया, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा. सो चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय गाइस.